हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज की जो मटन की रेसिपी है बहुत ही इजी है, हेल्दी है, टेस्टी है और बहुत इजी तरीके से हमने इसको बनाया है। और हेल्दी इसलिए कि मैंने इसका जो मीट मसाला है इसे घर पे तैयार किया है, यानी कि होममेड मीट मसाले से ये बना हुआ है और बहुत जल्दी ये डिश बन जाती है। तो चलिए गाइस, इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शुरू करते हैं और देखिए इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं। सिंपल सी इजी एंड टेस्टी मटन रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमने जो इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं वैसे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ये मीट का मसाला तैयार करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमने जो मसाले ले रखे हैं वैसे हैं। यहाँ पे हमने अपनी टेस्ट वाइज यहाँ पे हमने 5 लाल मिर्ची ले रखी है, क्योंकि घर का जो मिर्च का पाउडर बनाएंगे ना वो ज़्यादा टेस्टी होता है, अच्छा होता, प्योरिटी होती है। और रेड चिली पाउडर अगर आप यूज़ करना चाहें तो बार बार कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे जीरा लिया हुआ है। एंड यहाँ पे हमने 5 छोटी इलायची, हरी इलायची ली है, और यहाँ पे 3 बड़ी इलायची ले रखी काली वाली। एंड यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे जायत्री एंड थोड़ा सा यहाँ पे जायफल नटमेग। यहाँ पे 1 इंच के करीब हमने दालचीनी ली हुई है। यहाँ पे हमने लिया हुआ है 4 लौंग और 1 टीस्पून के करीब हमने लिया है काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून हमारा सॉल्ट रहेगा एंड 1 टीस्पून हमने ले रखा है हल्दी। तो इसको सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, इसे हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे, इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाएंगे। यहाँ पे हमने मटन को ले रखा है 1 केजी और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका पानी निकाल देना है। साथ में हमने यहाँ पे लिए हैं 4 मीडियम साइज के प्याज, उन्हें हमने फाइन चॉप्ड कर रखा है। एंड यहाँ पे हमने 3 टोमेटोज जो थे उनके बीज निकाल के इसकी प्यूरी बना ली, 3 टमाटर को प्यूरी बना लेना है। एंड यहाँ पे 1 कप हमने दही लिया है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। एंड यहाँ पे हम 1 कप के करीब मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे इस डिश को बनाने के लिए। तो चलिए गाइस, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसाले जो है इनको रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 आयरन का पैन रख दिया है, तवा रख दिया है आयरन का, अब इसमें हम मसाले डालते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ पे लो रखेंगे जिससे कि हमारे जो मसाले जलने ना पाए। नमक हल्दी इसमें बाद में मिलाएंगे जब मसाले डालेंगे, मटन की रेसिपी तैयार करेंगे। अब इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको इसी पे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, इसको चलाते रहेंगे अभी थोड़ा। तो गैस यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर रखा हुआ है गैस चूल्हे पे, और अब इसमें डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल, इसे गर्म होने देते हैं। गाइस ऑयल गर्म हो गया है, तेल गर्म हो गया, तो अब हम इसमें ये प्याज है हमारे पास कटी हुई, इसको डाल देते हैं और साथ में इसमें अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट हमारे पास है जिंजर गार्लिक के, इसको डाल देंगे साथ में, इसको भून लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसको प्याज को फ्राई कर लेना है। ये 2 से 3 मिनट ये फ्राई हो गया है प्याज और लहसुन अदरक, अब इसमें हम डाल देते हैं मटन के पीसेस। इसे भी हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। तो गैस की फ्लेम थोड़ा हाई रखेंगे जिससे कि जो मटन का पानी इसमें जो रिलीज होगा टाइम भी छुटेगा, वो अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए। तो बाकी के जो हमने मसाले रोस्ट किए हैं उसको ग्राइंड करेंगे, तो उसको इसमें मिलाएंगे। तो अब ये मसाले को इसमें डाल देते हैं मिक्सी जार में, इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये मसाला बहुत अच्छे से बन गया, तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है। और अब हमने क्या करना है, ये हल्दी है जो हमारे पास, इसको डाल देंगे, नमक डाल देंगे, और ये जो हमारे पास टोमेटो प्यूरी है, टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया है उसको डाल देंगे। और तो बस 2 से 3 मिनट तक और फिर से इसको भून लेना है, और मसाले को छान भी सकते हैं इस तरह से। और ये जो दरदरा सा निकला हुआ है इसमें, इसको रख देंगे, जैसे सूखी सब्जी बनानी होती है ना उसमें यूज कर लेंगे। तो टमाटर भी हमने जो प्यूरी डाल दी थी, टमाटर प्यूरी, उसको भी अच्छे से भून लिया है। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए, और अब हम इसमें जो मसाला तैयार किया हुआ है 3 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल देंगे।
तो इस मीट मसाले में गरम मसाले का भी फ्लेवर आता है। जब मीट मसाला बनता है तो उसमें सारी चीज़ें होती है, तो अलग से गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करके भूनते रहना है, तो इसको फिर से हमने 2 से 3 मिनट तक और भून लेना है। देखिए अच्छी तरह से ये भून गया है, टमाटर डाल के भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें दही मिला देंगे, दही ऐड करेंगे। चलिए अब इस पर दही डाल देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा इससे। इसको भी अच्छी तरह से मिलाना है, तो 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पहले भून लेंगे। तो ये देखिए अभी इसको गलना भी है, ये गला नहीं है, तो अभी हमें 2 से 3 विसल इसको लगाना है। तो मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे, और अब इसमें हम जो 1 कप दही लिया था बस उसी कप में हमने पानी ले लेना है, 1 कप। अब इसे हमने मीडियम फ्लेम पे ही 3 विसल आने तक पकने देना है। इसको बंद कर देते हैं, तो ये हमारी इजी मटन रेसिपी रेडी हो जाएगी। ये देखिए अभी स्टीम है, इसमें दही पूरी तरह से स्टीम निकल जाएगी इसकी, फिर इसको ओपन करेंगे। तो ठंडा हो जाने देते हैं पहले कुकर को। गाइस ये देखिए विसल इसकी स्टीम निकल गई है, इसे देख लेते हैं। ये देखिए बढ़िया से रेडी हो गया, और अब इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से ये तैयार है मटन की रेसिपी। और ये गल भी गया अच्छी तरह से, ये गल गया है बहुत अच्छे से। सो अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। रखते हैं 1 सर्विंग बाउल मटन के पीसेस, क्योंकि बहुत ही अच्छे से बन गया, ग्रेवी के साथ जितनी ग्रेवी चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से ये मटन की रेसिपी जो हमने बनाई है, आई होप कि ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो गाइस इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।